सीएम जो आए हरियाणा के, क्या उखाड़ लिया आपने? ओ मैडम, पहले तो बोलना सीख ले, या मवाली भाषा है, और फिर आप भी साथ में आ जाती, आप भी साथ में आ जाती, आपको वही दिखा देते किसान है के उखाड़े हैं, कुकर उखाड़े हैं। अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। सोनाली जी, तेरे इलाके में आदमपुर हल्के में जाके सभा कर, जिसको जो धरने प्रदर्शन करने है ना कर लेने दीजिए, एक दिन अपने आप थक के बैठ जाएगा हर कोई। आप कहते हो हम किसान थक के बैठ जाएंगे? 4 महीने से ऊपर हो गया, थकान नाम की चीज हमें नहीं है अभी तक। थक आप लोग जाओगे, हमें रोक रोक के आप लोग थक जाओगे। हम किसान थकने वालों में से नहीं है, हम आपको दिन में तारे दिखाने का काम करेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, जवाब अच्छे से मिला ना कल? डिप्टी सीएम जो आए हरियाणा के, क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया भाई डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का? आपने आया हेलीकॉप्टर से, और जो जो काम उसको करने थे सेक्रेटरिएट गया, उसके बाद उसको जो मीटिंग लेनी थी वो ली, इनॉग्रेशन करना था किसी चीज का वो किया, फिर अपने रिश्तेदार अपने घर पे भी गया। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? कुछ कर पाए आप लोग? ओ मैडम, पहले तो बोलना सीख ले, या मवाली भाषा है, और फिर आप भी साथ में आ जाती, आप भी साथ में आ जाती, आपको वही दिखा देते किसान है के उखाड़े हैं, कुकर उखाड़े हैं। अगर ट्राई कर लिए, क्या उखाड़ लेंगे आप डिप्टी सीएम का? उनके पीछे पड़े रहते हो, उनको गालियां निकालते हो, और उखाड़ना तो उखाड़ के दिखाते ना, कल डंके की चोट पे सारा कुछ करके गए हैं। अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। के काम करा था, टैंकर बांटे थे, और ब्याह में बाजदा बाजदा गया था, उड़े पूछ गए थे किसान, और वो टैंकर उल्टे आने लग रहे हैं। अपनी कोठी में समस्या सुन गया था, पीछे का दरवाजा था भाज के गया था, या किसानों की ताकत है? आया हेलीकॉप्टर में था, और जे उड़े हेलीकॉप्टर तारदान है तो जान खातर साइकिल भी कौन पावा, हेलीकॉप्टर तो किसान रख लेते। डंडे लेके तो हम उसके पछे पड़ांगे, क्योंकि हमने बनाया भी तो वो है, वोटा तो वोट दे के बनाया है हमने, तेरे डंडे लेके पछे क्यों पड़ा, हम तेरे पल्ला को नहीं किमी भाई, उसी के गिल्ला पड़ांगे और काम करवावांगे। मारे जो फालतू की राजनीति करने वाले लोग है ना, जो सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते सड़कों पे रुल जाएंगे। किसान अपना काम कर रहा है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसान सम्मान के साथ अपना काम कर रहा है, खेतीबाड़ी कर रहा है अपनी, वो कभी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होता। और जो फालतू के जो राजनीति करने वाले ना, जो तफरी करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं होता, कोई काम धाम नहीं होता, बिना मतलब की भीड़ में चले जाते हैं मजे लेने के लिए, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसान है, राजनीति नहीं करते हम लोग, हम धरती का सीना चीर कर फसल उगाते हैं, और रोड पर हम आप लोगों के कारण बैठे हैं। ये सरकार तीनों काले कानून आज उल्टे ले लो, आज हम अपने घर चले जाएंगे, हमारे बच्चों के साथ रोड पर बैठे हैं, और आप सड़क छाप राजनीति करते हो, क्योंकि आप सड़क छाप हो। सोना, राजनीति के साथ साथ मैं महिला भी हूँ, मेरा परिवार भी है। पिछले कुछ दिनों से जो चीजें चल रही है उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग बहुत ही गंदा और भद्दा मेरे बारे में लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। चलिए, ये सब चीजें राजनीति का हिस्सा अगर आप लोग मानते हैं तो करिए, जिसकी जैसी मानसिकता है उस हिसाब से आप कमेंट करिए। लेकिन अगर कोई मेरे स्वर्गवासी पति के नाम पे कलंक लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाने जा रही हूं। क्योंकि एक छुटभैये नेता ने इस तरह का बयान दिया है जो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और कुछ लोग उनकी देखा देखी और लोग भी कमेंट के माध्यम से भी ये चीजें लिख रहे हैं। अली जी, तेरे इलाके में आदमपुर हल्के में जाके सभा कर, आदमपुर हल्के वाले किसान आपको सभा करनी भी सिखा देंगे, और आपका दिमाग भी ठिकाना लगा देंगे। आप कहते हो हम किसान थक के बैठ जाएंगे, 4 महीने से ऊपर हो गया, थकान नाम की चीज हमें नहीं है अभी तक। थक आप लोग जाओगे, हमें रोक रोक के आप लोग थक जाओगे। हम किसान थकने वालों में से नहीं है, हम आपको दिन में तारे दिखाने का काम करेंगे। मैडम, आपने जो FIR करवानी है वो FIR कराओ, मानहानि की केस करो, मेरे पास सारे सबूत हैं, और मैं सबूतों के आधार पर बात करता हूं, सारे सबूत कोर्ट में रखूंगा और साबित कर दूंगा जो मैंने बात कही है वो सच है।
आपके पति के ऊपर बात आई तो आपके बर्दाश्त से बाहर है, आप हमारे ऊपर FIR कराने चल पड़ी और आपने हमारे किसानों के लिए अभद्र शब्द यूज करे, आप हमें गालियां देते हो, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे आने वाली पुश्ते रुलन लग रही है, हमारी खेती बाड़ी जान लग रही है, हमारी जमीनें जान लग रही हैं, और जब आपके घर पे बात आती है तो आप गुस्से में कहती है मैं FIR कराऊंगी। 100 बार FIR कर, हर किसान का बच्चा आपके FIR करने के करवाने के लिए तैयार है। मैं क्या, मैं देखो मैं तो बीजेपी की वर्कर हूँ, मैं कोई ना तो विधायक हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं डिप्टी CM हूँ, ना मैं CM हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। मेरे से कोई जवाब मांगने की जरूरत नहीं है, जवाब मांगो ना उनसे। मिला आपको जवाब? बहुत अच्छा मिला जवाब। आप मान सम्मान अपने घर वाले का करते हो, उतना मान सम्मान किसानों का भी करो ना। किसान को दुश्मन थोड़े हैं आपके, आपके परिवार में सारे किसान हैं, आपके माँ बापों ने भी खेती करी है, आपका गांव सारा खेती बाड़ी करने वाला था, आज आपके दुश्मन कैसे हो गए? आप इतनी अभद्र भाषा किसानों के लिए यूज करते हो, सिर्फ पद पाने के लिए, सिर्फ खट्टर सरकार दुष्यंत सरकार को खुश करने के लिए, ये गलत है। इब तो तेरे बेरा पट गया होगा, सोदा है कि मैं नहीं, फिर तो पूछेगी मार करने के, सारी दुनिया ने मेरा है, कुछ को नहीं दूं।